हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज़ प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू बी बिलोंग्ड इनटू ए सीरीज ऑफ फे सिक्वेंशियल स्टेप। यूजुअली इट मूव्स द स्टूडेंट फ्रॉम ए ब्राउन इनटू ए कॉम्प्लेक्स एंड न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट। Understanding level. According to Smith and Murray, program learning refers to the arrangement of instructional material in progressive and sequence. अभिकर्मित अधिगम अनुदेशनात्मक सामग्री की उत्तरोत्तर क्रमबद्ध व्यवस्था का नाम है। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये इंस्ट्रक्टिव मेथड है जिसको स्व अनुदेशन के मीन सेल्फ इंस्ट्रक्शनल के थ्रू समझा जाता है। उसका एक नाम भी दिया गया है कि इसे अपनी गति से बच्चा सीखता है। जैसा कि मुरे बोल रहे हैं, प्रोग्राम लर्निंग रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंस। सीक्वेंस में बिल्कुल एक के बाद एक क्रमबद्ध रूप से ये करवाया जाता है प्रोग्राम लर्निंग। इसके साथ साथ इनको क्रमिक पदों की श्रृंखला में बांट दिया जाता है, मीन्स एक पोर्शन में इसको अरेंज कर दिया जाता है। जो मटेरियल है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्टेप्स के अकॉर्डिंग, क्लियर। इसके बाद है, इसके द्वारा किसी विद्यार्थी को उसकी परिचित पृष्ठभूमि में से प्रत्यय प्रतिनियमों बोध के एक जटिल और नवीन स्तर पर लाया जाता है। मीन्स जो ऑलरेडी आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो उसके अलावा न्यू कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, जो नियम है उनको जानने के लिए, और एक डिफ़िकल्ट लेवल पर आपको ले जाते हैं, नवीन स्तर पर ले जाने का मतलब एक लर्निंग की न्यू स्टेज पर आप पहुंच जाते हो प्रोग्राम लर्निंग के द्वारा। और जहां आपको डिफ़िकल्टी लगती है कि ये सोल्यूशन मुझसे नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो, रुक जाते हो, या फिर आप वापस से आके दूसरे स्टेप पर, जब तक आप हर स्टेप पर क्लियर नहीं हो जाते हो, नवीन अपने स्तर पर नहीं आ जाते हो, तब तक प्रोग्राम लर्निंग चलता रहता है, करवाया जाता है। मेनली प्रोग्राम लर्निंग को समझना चाहिए कि ये छोटे छोटे पद अथवा फ्रेम में बटा होता है। इन पदों से अधिकांश में अनुक्रिया के किसी वाक्य में निहित खाली स्थान को भरना होता है। मैं छोटे छोटे यूनिट के आपको पॉइंट दे दूंगी, या तो आपको यस और नो में जवाब देना होगा, या फिर आपको किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू आपको बात समझानी होती। अब छोटे छोटे पद इसलिए कहा गया है कि हम एक बात को समझाने के या तो फिल इन द ब्लैंक्स यूज कर रहे हैं, या कोई आपको सीक्वेंस में यस और नो में भर रहे। जैसे आपको याद होगा छोटी क्लासेस में फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो उसके पीछे उसके ऑप्शन भी लिखे थे यस और नो ओब्लिक करके, या उनके दो उस पर कंटेंट दिया होता था आंसर। तो सीक्वेंस का मतलब ये है, बिल्कुल धीरे 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 आपको पर्टिकुलर टॉपिक छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पद में बांट कर, फ्रेम में डिवाइड करके आपको समझाया जाता है। और ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन मेथड क्यों है, क्योंकि बच्चा यहाँ अपनी गति से आगे बढ़ता है। इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है, बस टीचर का रोल ये होता है कि वो एक ऐसा प्रोग्राम फिक्स करके देता है आपको, एक ऐसा टेक्निक से फ्रेम कर देता है आपको, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या पर्टिकुलर यूनिट जो भी करानी होती है उसको टुकड़ों में डिवाइड करके आपके पास सामने सारा स्टडी मटेरियल रख दिया जाता है। आपको सेल्फ स्पीड से, सेल्फ स्पेस पेस से आपको पढ़ना होता है अपनी गति से। प्रोग्राम लर्निंग इसका नाम दिया गया। जैसे कि इस एक डेफिनेशन में, अभिकर्मित अधिगम व्यक्तिगत अनुदेशन की ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार सूचना क्रमबद्ध छोटी इकाइयों के रूप में प्राप्त करता है। वह अनुदेशन प्रक्रिया में सक्रिय रहता है और अपनी गति से आगे बढ़ता है। उसे तत्काल ज्ञात हो जाता है कि वह ठीक है या नहीं है। मान लीजिए आपके टीचर आपको कोई प्रोग्राम ऑनलाइन करवा रही है, तो ऑनलाइन जैसे यस और नो का आता है, जैसे बायजूस जैसे ऐप के बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूँ, या ऐड में भी आप देखते हैं बरले बच्चे क्या क्रिएटिविटी के साथ साथ गेम के साथ साथ खेलते रहते हैं। बच्चा गलत, मान लीजिए 2 का टेबल लर्न कर रहा है वो, तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी, 2, 4, 6, 8, ये बिल्कुल सीक्वेंस में टेबल याद करनी होगी उसे। फिर जब उसको करवा कर देखते हैं या उसकी फीडबैक लेते हैं, इवेल्यूएशन करना होता है या प्रैक्टिस करनी होती है, तो बच्चा 2, 4, 6, 8 ऐसे ही बोलेगा, ऐसे नहीं बोल सकता 2 के बाद सीधा 6, 6 के, तो इसका मतलब वो गलत है। तो इसीलिए बोला है कि हर स्टेप छोटे छोटे इकाइयों के रूप में प्राप्त करता है और स्टूडेंट अपनी स्पीड से सीखता है। और स्टूडेंट को ऑलरेडी हाईलाइट हो जाता है या तो ऑनलाइन यहाँ पर मॉनिटर के ऊपर या आपके बुक में
अगर आपने गलत आंसर चूज करते हो आप, तो आपके वहाँ पर स्क्रीन पर हाईलाइट होता रहता है कि नो यू आर रॉन्ग, क्लियर। उसे तभी पता चल जाता है कि मैंने गलत ऑप्शन अडॉप्ट किया है, इसीलिए मैं गलत हूँ। फिर वो दोबारा उस चीज़ को रिवाइज करता है और आगे छोटे छोटे ऐसे स्टेप लेकर आगे सीख लेता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ए गुड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। द प्रिंसिपल ऑफ विच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड आर डिस्कवर्ड इज एनसाइक्लोजिकल लेबोरेटरी। देर आर फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। पांच हैं ऐसे सिद्धांत जिसके आधार पर प्रोग्राम लर्निंग टिका हुआ है। पूरा जो इसका कंटेंट है वो पांच तरीके से टिका है, जो फ्रेम किए जाते हैं पांचों। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, जैसे सब आपको बताया कि छोटे छोटे फ्रेम में बांट दिया जाता है, सेम एज इट इज़। लघुपद सिद्धांत फर्स्ट है, जैसे इंग्लिश में है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, इसका हिंदी वर्जन होगा लघुपद सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या है, मूल धारणा इसकी यही है, इस सिद्धांत की, इस इंस्ट्रक्शन मेथड की, प्रोग्राम लर्निंग का मेन फोकस पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें यही है कि एक्टिव रिस्पोंडिंग भी होता है, साथ साथ में फर्स्ट स्टेज जो है नेसेसरी है कि लघुपद होने चाहिए। आप एक यूनिट को एक साथ नहीं करा सकते हो क्योंकि वो बड़ा फ्रेम हो जाता है, इसमें एक यूनिट का बस छोटा सा बुलेट पॉइंट लेना होता है, उस बुलेट पॉइंट के भी छोटे छोटे टुकड़े बांट कर हम कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छे से होते, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर कंटेंट प्रस्तुत किया जाता है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए जो भी एग्जामिनर होते हैं, जो भी उसको विषय वस्तु को हम बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसको सार्थक टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। इट मीन्स जो फ्रेम्स हैं ऑलरेडी जो कंटेंट से रिलेट कर रहा है आपको, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। और वो टुकड़े क्या होंगे, जैसे एक बार मीनिंग समझाया सिर्फ, उसके बाद उसके, जैसे मैं आप प्रिंसिपल समझा रही, तो पहले मैं एक प्रिंसिपल को बता रही हूँ, ये क्लियर हो गया, फिर आप सेकेंड प्रिंसिपल पर जा रहे। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे लेकर, जैसे टेबल का एग्जांपल दिया कि छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ, हम 10 से 20 तक की टेबल नहीं बताते बच्चों को, पहले उसको 2 का टेबल, फिर 3 का, फिर 4, जब तक उसको मास्टरी नहीं करा लेते उससे पहले हम नए स्टेप पर नहीं जा सकते। सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पोंडिंग, हिंदी में सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, एक्टिव रिस्पोंड, वो एक्टिव रिस्पोंड क्यों है, क्योंकि इस सिद्धांत पर एक सीखने वाला और एक जो सिखाने वाला होता है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या इंटरैक्ट, बस हम प्रोग्राम फिक्स कर रहे हैं, सीखने वाला आप हो, आपको एक्टिव रिस्पोंड रहना, बिल्कुल आप एक्टिव रहेंगे वहाँ पर, सीखने वाला जो अधिगम करता है, जो लर्नर आप हो, वो सक्रिय रह सकता है और अपनी गति के अनुसार उसको सीखना होता है आपको, क्लियर। जहाँ पर भी आपको ये लगे कि ये एक्टिव रिस्पोंड नहीं कर रहा है, स्टूडेंट चुप रह जाता है, या वो सही और गलत नहीं करता, अपना आंसर फ्रेम नहीं करता, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करता है, तो वहाँ पर परेशानी आ जाएगी और हर जो फ्रेम होता है अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो बच्चा जब तक एक्टिव नहीं होगा, हर फ्रेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो प्रोग्राम लर्निंग के स्टेप छूट जाएंगे, इसीलिए उनका एक्टिव रिस्पोंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कन्फर्मेशन, यस बिल्कुल, इमीडिएट रीइन्फोर्समेंट, तत्काल प्रतिपुष्टि, इमीडिएट फीडबैक आपको मिलता है, यहाँ कन्फर्मेशन मिलती है। कैसे, सबसे पहली बात, पुनर्बल रीइन्फोर्समेंट का सिद्धांत जो है सबको पता है कि ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पर आधारित है। कोई सीखने वाला उस समय बहुत अच्छी तरह सीख सकता है जब वह अपनी अनुक्रियाओं के परिणाम से तुरंत परिचित हो जाता है। जैसे कि मुझे पता चले, या आपके ऑनलाइन जब मान लीजिए एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप पेपर देकर आते हो, एक महीने के बाद, 20 दिन के बाद, 2 महीने के बाद आपको आपका रिजल्ट पता चलता है, तो आप वहाँ उतना अच्छा फीडबैक क्या दोगे, आपको तो फीडबैक बहुत दिनों के बाद मिला है। लेकिन प्रोग्राम लर्निंग में फीडबैक टाइम टू टाइम आपको बिल्कुल तभी के तभी इमिडिएट दिया जाता है, और उससे हम बच्चे के व्यवहार को और अच्छा सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता चला कि मैं गलत कर रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, ठीक करूँगी, क्योंकि मैं तब तक उस पर मास्टरी नहीं लूँगी जब तक मैं नेक्स्ट फ्रेम पर नहीं जा सकती हूँ। तो इसीलिए बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए, सही दिशा में जाने के लिए, तत्काल
पुष्टि, इमीडिएट कंफर्मेशन और रेनफोर्समेंट और फीडबैक बहुत दिया जाता है इसमें। और यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि इमीडिएट बच्चे को फीडबैक दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रीन पर यस और नो, राइट और रॉन्ग, करेक्ट और रॉन्ग का आपको साइन आता रहता है या वो वर्ड शो होता रहता है। तो अगर करेक्ट आया तो फीडबैक क्या मिली? पॉजिटिव, कि हाँ आपने अच्छा किया, आप नेक्स्ट फ्रेम में चले जाते हो। अगर आपने गलत किया तो वो वहाँ पर रॉन्ग प्रेस होता है या इनकरेक्ट प्रेस होता है, जिससे आप फीडबैक क्या मिला कि इन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया है। आपको रीलर्न करना होता है, री रीड करना होता है, देन यू सॉल्व अगेन क्वेश्चन। तो यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ स्पीड। बिल्कुल सेल्फ पेसिंग है यहाँ पर। अभिक्रमित अनुदेशन, व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर जब अनुदेशन लेते हैं, व्यक्तिगत है यहाँ पर, इंडिविजुअल है। हम ये नहीं कि क्लास का मेंबर बहुत स्पीड से पढ़ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जिस प्रोग्राम लर्निंग में, जिस इंस्ट्रक्शनल में जहाँ बैठी हुई हूँ, जिस यूनिट पर वर्क कर रही हूँ, जो मेरे लिए टीचर ने मुझे फ्रेम किया है प्रोग्राम लर्निंग का, जो कंटेंट मुझे दिया है, उसमें मुझे मास्टरी करना है। तो मुझे पता है मेरी गति क्या है, मेरी सेल्फ स्पीड क्या है। अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग मैं फ्रेम चूज़ करती हूँ। पहले मैं पहला फ्रेम करती हूँ। हो सकता है आपके किसी कलीग्स ने, आप किसी फ्रेंड ने वो फ्रेम 2 मिनट में ही पूरा कर लिया हो, आपने नहीं किया हो। तो अपनी स्पीड पर ही फोकस करना है यहाँ पर, दूसरे की स्पीड पर नहीं। यहाँ स्वयं की योग्यता और सीखने की गति के अनुसार जो है विषय वस्तु एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक जाने में पूर्ण रूप से फ्रीडम होती है, लिबरल होती है, पूर्ण स्वतंत्र होता है। हमें कौन सा फ्रेम करना, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, कितने भी फ्रेम हम उसमें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। ये बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग का मतलब है यहाँ पर हिंदी में से छात्र परीक्षण सिद्धांत कहा जाता है। कि यहाँ स्टूडेंट के अधिगम संबंधी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या हो जाता है कि बच्चे का मूल्यांकन जो है, उसका इवेल्युएशन है, वो लगातार सतत होता रहे, कंटिन्यूस प्रोसेस में होता रहे। तो प्रस्तुत सिद्धांत इसी आवश्यकता की ओर संकेत करता है कि अभिकर्मिक अनुदेशन में यह आवश्यक होता है कि छात्र विषय वस्तु के फ्रेम्स के प्रति अपनी बाह्य अनुक्रिया व्यक्त करे। वो मौखिक भी हो सकता है, मीन्स ओरल हो सकता है, आपका एक्टिव बेस हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्टूडेंट टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना होता है यहाँ पर, कि स्टूडेंट ने कितने फ्रेम यूज़ किए, कितना वहाँ पर उसने करेक्ट किया। रिस्पॉन्स शीट दी जाती है वहाँ पर इस प्रोग्राम में, या टेप रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर की जाती है, और स्टूडेंट के पास वो रखी होती है, या एक एग्जामिनर फीड कहीं पर चल रहा होता है, कैमरा लगा रहता है पर्टिकुलर स्टूडेंट के वहाँ पर, और वो चलता रहता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ स्टूडेंट टेस्टिंग होती है, उसकी स्पीड की टेस्टिंग होती है, उसकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की होती है, कि उसने कितने फ्रेम यूज़ किए, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग किया या नहीं, उसे इमीडिएट फीडबैक यस और नो कितने उसने यूज़ की, उसकी स्पीड क्या थी, उसका मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसे चेंज हुआ, ये सारी जानकारी हमें प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग में मिलता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल। द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, करैक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या हैं प्रोग्राम लर्निंग की। सबसे पहली, इट इज़ नॉट एन ऑडियो विजुअल डिवाइस, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ये ऑडियो वीडियो कोई एड्स नहीं है, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, ये ईटी का एक पार्ट है। यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा हम बच्चों को छोटे छोटे फ्रेम में लेकर उसको एक कोई भी कंटेंट जो है उससे अवगत कराते हैं, और उसके व्यवहार में उसको अवगत कराया जाता है, उसको सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज़ नॉट ए टेस्ट, न्यू स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक प्रोग्राम है, ये टेस्ट नहीं है, मीन्स पर्टिकुलर कोई टेस्ट फ्रेम करने की तकनीक नहीं है ये। ये आप लोगों को कुछ करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ नया संप्रत्यय, कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एक तरीका है पढ़ाने का। आप इससे भी, इसको भी यूज़ करके बच्चे को उसकी सेल्फ इंटरेक्शन आप देख सकते हो, वो कैसे पढ़ रहा है वो बता सकते हो उसमें। इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, इट इज़ ए न्यू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी
फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं है, क्योंकि इससे तो प्रॉब्लम और भी सामने आती हैं, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चे को मास्टरी लेवल तक पहुंचना ज़रूरी होता है। यहाँ पर स्लो लर्नर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये कोई एजुकेशन टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक नहीं है, बल्कि एक नया नज़रिया है एक लर्नर का बिहेव चेंज कर ले, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, एक लर्नर का व्यवहार बदलने के लिए, उसको उसकी गति पर सीखने के लिए, उसे छोटे छोटे फ्रेम में सिखाने के लिए, उसे एक्टिव रिस्पॉन्ड करने के लिए मोटिवेट करने का एक सिर्फ तरीका है। इट कैन नॉट रिप्लेस द टीचर, रिफॉर्म द फील्ड ऑफ टीचिंग, बिकॉज द एक्टिव टीचर कैन प्रिपेयर ए गुड प्रोग्राम। यहाँ पर जब टीचर की कोई भागीदारी नहीं है, सिर्फ वो फ्रेम करके दे देता है आपको प्रोग्राम, और आप बस फ्रेम कर रहे हो, कितने फ्रेमों में बांटा, टीचर को नॉलेज होती है, लेकिन वहाँ पर एक्टिव रिस्पॉन्ड के टाइम, इमिडिएट फीडबैक के दौरान टीचर का कोई रोल नहीं होता। अगर ऑनलाइन चल रहा है तो टीचर कुछ नहीं कर सकते आपको, जो आप जैसा रिस्पॉन्स करेंगे, जैसा आपने इनपुट डाला, वैसा स्क्रीन आपको आउटपुट देती है, वो गलत और सही कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ टीचर को दूर कर रहे हैं कामों से, नहीं, लेकिन अगर एक अच्छा टीचर होगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के दौरान अच्छा सा विषय वस्तु प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, आपको सिखाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स मोर क्रिएटिविटी एंड एफर्ट्स टू डेवलप हाईली इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल। ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, आपको क्रिएटिविटी को इन्हांस किया जाता है, यहाँ पर आपके एफर्ट को डेवलप किया जाता है, हाईली इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल, कि आपको सब अनुदेशन जो अपने आप से तुम कुछ सीखते हो उसके लिए रेडी करता है, उसके लिए मोटिवेट करता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहीं ना कहीं यहाँ डेवलप करता है, कि बच्चा कब तक टीचर्स के भरोसे बैठे रहेगा, कब तक बच्चा अपनी गति से तो सीखता है, जब तक फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है तो टीचर का इन्वॉल्व है, लेकिन जब अगर आपको फ्रेम करके ऑलरेडी दे दिया कि ये वर्कशीट आपको खुद भरनी है, तो इसका मतलब क्या है, टीचर जानता है कि मैंने ऑलरेडी अपने स्टूडेंट रेडी कर रखे हैं कि वो ये काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्टिव रिस्पॉन्ड रखने के लिए, आपको अपनी गति से सीखने के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट की टेस्टिंग करने के लिए इस प्रोग्राम को फ्रेम किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो तो प्रोग्राम लर्निंग सेल्फ स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है, छोटे पदों में होता है, एक्टिव रिस्पॉन्ड होता है ये, यहाँ पर इमिडिएट फीडबैक यहाँ पर मिल जाता है, सेल्फ स्पीड से सीखा जाता है, स्टूडेंट टेस्टिंग हो जाती है, और कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर यहाँ पर बहुत अच्छे से होता है, और कहीं ना कहीं बच्चा सेल्फ स्टडी, सेल्फ इवेल्युएशन करता है, स्वयं मूल्यांकन करता है प्रोग्राम लर्निंग में। तो प्रोग्राम लर्निंग बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसमें अधिगम संबंधी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ हो जाता है, बच्चा अपनी स्पीड से सीखना शुरू हो जाता है, उसको मोटिवेशन मिल जाता है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार सतत एवं उपयुक्त मूल्यांकन उसका हो जाता है, कॉन्टिन्यूस उसका जो है इवेल्युएशन होता रहता है, और अभिकृत अनुदेशन का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सीखने में, क्योंकि वो हमारी गति पर निर्भर करता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो बिल्कुल सुव्यवस्थित है, प्लान्ड है, नियोजित है पहले से ही, और हर तरीके से बच्चे की लर्निंग को इन्हांस करने के लिए बनाया गया है। और छोटे छोटे फ्रेम से फ़ायदा क्या है कि बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, और एक साथ बहुत बड़ा कंटेंट समझ में नहीं आता है कई बार, तो छोटे छोटे कंटेंट से हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग करा सकते हैं। थैंक यू क्लास, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।